2021 में धन त्रयोदशी धनतेरस 2 नवंबर 2021 में रहेगा, दिन मंगलवार। धनतेरस पूजा मुहूर्त 6:44 से लेके 8:21, इसकी अवधि रहेगी 1:30 की। प्रदोष काल समय 5:55 से लेके 8:21 तक। वृषभ काल समय 6:44 से लेके 8:47 तक। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 11:31, 2 नवंबर को। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 9:02 में, 3 नवंबर सुबह। यम दीपम रहेगा मंगलवार को 2 नवंबर। यम दीपम शयान संध्या 5:55 से लेके 7:08 शाम, अवधि इसकी 1:13 की रहेगी। अन्य शहरों में धनतेरस मुहूर्त, नई दिल्ली 6:17 से लेके 8:11, नोएडा 6:16 से लेके 8:10, जयपुर 6:25 से लेके 8:18, गुरुग्राम 6:18 से लेके 8:12, मुंबई 6:50 से लेके 8:36, चंडीगढ़ 6:14 से लेके 8:09। पुणे 6:47 से लेके 8:32, हैदराबाद 6:30 से लेके 8:14, कोलकाता 5:45 से लेके 7:31, बेंगलोर 6:40 से लेके 8:21, अहमदाबाद 6:45 से लेके 8:34, चेन्नई 6:29 से लेके 8:10। धन त्रयोदशी या धनतेरस के दौरान लक्ष्मी पूजा को प्रदोष काल के दौरान किया जाना चाहिए, जो कि सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होता है। ये लगभग 2:24 तक रहता है। धनतेरस पूजा को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती, जो कि आयुर्वेद के देवता का जन्म दिवस है, के रूप में भी मनाया जाता है। सोना खरीदने के लिए धनतेरस शुभ मुहूर्त 3 नवंबर 2021 दिन बुधवार को 6:07 सुबह से लेके 9:02 सुबह, इसकी अवधि 2:55 की रहेगी। धन त्रयोदशी में व्याप्त शुभ चौघड़िया मुहूर्त प्रातः मुहूर्त लाभ अमृत 6:07 सुबह से लेके 9:02। धनतेरस पूजा विधि, मानव जाति के पास सबसे अच्छा उपहार अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का है। धनतेरस का त्यौहार स्वास्थ्य कल्याण और प्रचुरता का प्रतीक है। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी के अवतार के साथ ही यह पर्व अस्तित्व में आया है। धनतेरस को एक लंबे जीवन, सफलता, धन से भरा होने के लिए मनाया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति एक स्वस्थ मन का निवास है, जो कई जटिलताओं के बावजूद फलता फूलता है। धनतेरस के दिन शास्त्रों के अनुसार धन्वंतरी की षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। षोडशोपचार एक अनुष्ठान है जिसमें पूजा की 16 विभिन्न प्रक्रिया शामिल है। इसमें आसन, पद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, सुगंध, केसर, चंदन, फूल, धूप, नैवेद्य, आचमन, शुद्ध जल, प्रसाद, यू पान, आरती शामिल है। और परिक्रमा, धनतेरस के दिन चांदी और सोने के बर्तन खरीदने की परंपरा है। यह ज्ञात है कि बर्तन आपके घर में धन संपत्ति लाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
इस त्यौहार पर रोशनी और दीपक घर के सामने के द्वार पर और खुले क्षेत्रों में सजाते हैं। धनतेरस के दिन नए 13 दिया मुख्य द्वार में जलाया जाता है। इसे दिवाली का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता के आसपास के खतरे और भय को समाप्त करने के लिए भगवान यमराज के सामने दीपक जलाए जाते हैं।